तेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया चाहे उनसे नफरत करे या उन पर हंसे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसकी वजह है उनका अपने कई कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहना। कभी रॉकेट स्टार के अंदाज में हिप हॉप सॉन्ग गाना, तो कभी अपनी फिल्मों के जरिए हे तंगेज स्टंट करके खबरों में छाए रहना। संत से ज्यादा रॉक स्टार अंदाज के लिए फेमस हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की फिल्मों के बारे में ये तथ्य जानकर शायद आप यकीन न कर पाए। फिल्म MSG2 के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह इंसा को वेस्ट एक्टर, डायरेक्टर और राइटर तीनों कैटेगरी में दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस अवार्ड को पाने के बाद जहां डेरा प्रमुख के अनुयायी जश्न मनाते नजर आए थे, वहीं कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका मजाक भी उड़ाया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ने नवाजे जाने के बाद इस साल फरवरी में महाराष्ट्र के CA देवेंद्र फडणवीस ने डेरा प्रमुख को साल के वेस्ट एक्टर और वर्सटाइल पर्सनैलिटी के लिए राइट अवार्ड से नवाजा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेरा प्रमुख अपनी फिल्म हिंद का नापा को जवाब के लिए रिपोर्ट बना चुके हैं। ये रिपोर्ट है एक ही फिल्म में 43 क्रेडिट अपने नाम करने का। फिल्म में डायरेक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग, पब्लिसिटी से लेकर प्रो डिजाइनिंग तक का जिम्मा संभालने जैसी कई और चीजों के लिए गुरमीत राम रहीम सिंह को इस अवार्ड से नवाजा गया। डेरा चीफ को पिछले साल जनवरी में लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से डायरेक्टर की उपाधि से नवाजा जा चुका है। रिकॉर्ड की बात करें तो डेरा सच्चा सौदा की वेबसाइट पर इस बात का दावा किया गया कि डेरा प्रमुख के नाम पर अलग अलग कैटेगरी में करीब 53 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जिनमें से 17 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं, 27 एशिया बुक रिकॉर्ड, 7 इंडिया बुक रिकॉर्ड और 2 लिम्का रिकॉर्ड शामिल हैं। गुरमीत राम रहीम इंसा ने साल 2015 में अपनी पहली फिल्म में रिलीज करके सबको चौंका दिया था। गुरमीत राम रहीम ने साल 2015 में अपनी फिल्म MSG द मैसेंजर फिल्म को रिलीज किया था। यह फिल्म पहले MSG मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से रिलीज होनी थी, लेकिन फिर फिल्म का नाम बदलकर MSG द मैसेंजर कर दिया गया था, क्योंकि चंडीगढ़ और हरियाणा के कई सिख संगठन फिल्म के प्रदर्शन का विरोध करने पर उतर आए थे। MSG द मैसेंजर फिल्म के बाद डेरा प्रमुख ने MSG 2 फिल्म को रिलीज किया। इस फिल्म को रिलीज करने के बाद से गुरमीत राम रहीम MSG के नाम से मशहूर हो गए। MSG 1 और MSG 2 के बाद डेरा प्रमुख की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें MSG द वॉरियर लाइन हार्ट, हिंद का नापक को जवाब और जट्टू इंजीनियर का शामिल है। अपनी ज्यादातर फिल्मों में महिलाओं के सम्मान की बात करने और उन्हें उनका हक दिलाने जैसे सिद्धांतों को फिल्माने वाले डेरा प्रमुख के लिए आने वाली 25 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेरा प्रमुख पर लंबे अरसे से चल रहे यौन शोषण केस को लेकर 25 अगस्त को फैसला आने वाला है। हर पल सच्ची खबर के लिए आज हमें सब्सक्राइब करें।